हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से केवाईसी कर सकते हैं पीएफ पोर्टल पर। इस वीडियो में हम अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, उसके साथ साथ हम पैन नंबर भी अपना ऐड करेंगे पीएफ पोर्टल पर। पीएफ केवाईसी करते समय कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा केवाईसी कितने दिन में अप्रूव होता है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको लाइव दिखाने वाला हूं। ध्यान देना, पीएफ केवाईसी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली बैंक अकाउंट ऐड करना। तो केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए आपको epfindia.gov.in की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस तरीके से वेबसाइट आ जाता है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम का आपको बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक नया पेज ओपन हो जाता है, इस तरीके से आपको पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, क्लोज कर दीजिए। और राइट साइड में देखिए, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। पहले यूएन नंबर इंटर करिए, फिर पासवर्ड और फिर कैप्चा कोड। सारा डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे साइन इन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। एक ओटीपी सेंड किया गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और वही सेम ओटीपी हमें वन टाइम पासवर्ड वाले बॉक्स में इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे कैप्चा कोड है, इंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही हमारा लॉगिन हो गया है। इस अलर्ट मैसेज को हम हटा देंगे। अब इस तरीके से डैशबोर्ड हमें दिखाई दे जाता है। देखिए, यहाँ राइट साइड में मेंबर प्रोफाइल में प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है या कुछ भी लिंक नहीं है। पैन नंबर लिंक है या नहीं लिंक है वो भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, हमारे केस में देखिए लिंक ही नहीं है। तो यहाँ पर एक पेंसिल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो केवाईसी के पेज पर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आप चाहो तो मैनेज में जाओ और यहाँ पर भी आपको केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। केवाईसी पर क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर जो करंटली एक्टिव केवाईसी है हमें दिखाई देता है, जो पेंडिंग है वो भी दिखाई देता है, और जो रिजेक्ट हो गया वो भी दिखाई देता है। हमारे केस में कुछ भी ऐड नहीं है। यहाँ ऊपर केवाईसी ऐड करने का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाता है। पहले यहाँ पर आधार भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अब डिसकंटिन्यू हो गया है, क्योंकि कंपनी जब यूएन नंबर जनरेट करता है तो आधार वहां पर ही लिंक कर देता है। बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और बेहद ही जरूरी है बैंक डिटेल्स ऐड करना। अगर आपने ऐड नहीं किया हुआ है या गलत ऐड कर दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर सही भी कर सकते हो। सेम प्रोसेस है जो इस वीडियो में हम दिखाएंगे। ध्यान देना, जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पर ऐड करोगे उसी में ही आपके पीएफ पेंशन का पैसा आएगा, तो बहुत ध्यान से बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके अलावा पैन नंबर भी आप ऐड कर सकते हो। तो हम बैंक और पैन दोनों ऐड करेंगे, तो इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर रो ऐड हो गया, बैंक हमने सेलेक्ट किया, रो ऐड हो गया। पैन सेलेक्ट करेंगे तो पैन का भी रो यहाँ पर ऐड हो गया है। तो सबसे पहले अब हम बैंक का यहाँ पर डिटेल इंटर कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, नाम को देखो आप एडिट नहीं कर सकते हो। जो ईपीएफओ पोर्टल में नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है, और यही नाम आपके बैंक खाते में होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब बैंक अकाउंट नंबर हम जल्दी से इंटर करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर हमने इंटर कर दिया हुआ है, दोनों बॉक्स में सेम बैंक अकाउंट इंटर करना है, ठीक है, थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बैंक आईएफएससी कोड हमें यहाँ पर इंटर करना है। आईएफएससी कोड आपके चेकबुक में भी हो सकता है, पासबुक में भी हो सकता है, तो चेकआउट कर लीजिएगा और सही डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। आईएफएससी कोड जैसे ही आप इंटर कर दोगे, यहाँ पर एक बटन ऐड हो जाता है वेरीफाई आईएफएससी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक अलर्ट आ गया, आईएफएससी वेरीफाइड, ओके पर क्लिक करिए। जैसे ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ब्रांच का नाम भी हमें दिखाई दे रहा है और बैंक का नाम भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैंक का डिटेल ऐड कर सकते हो। अब हमारे केस में पैन नंबर भी है, तो जल्दी से हम पैन नंबर का डिटेल भी फीड कर देते हैं। पैन डिटेल्स में भी एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पैन के हिसाब से यहाँ पर नाम इंटर करना है। कोशिश करिएगा कि पैन, ईपीएफओ, आधार हर जगह सेम नेम हो। तो हमारे केस में तो यहाँ पर नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम नेम है। अब पैन नंबर हम जल्दी से इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे कंसेंट है, कंसेंट पढ़ लीजिए, और यहां पर देखिए चेक बॉक्स है, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पर सेव का बटन है, सेव पर हमें क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते ही देखिए आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंट हो गया है। नीचे आएंगे तो जो भी डिटेल हमने फीड किया हुआ था सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है, तो एक बार और वेरीफाई कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले। सब कुछ सही है तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसको इस इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से आपको स्क्रीन आ जाता है, आपका डिटेल जो है केवाईसी का सेव हो गया है, और ये जब एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा तो यहाँ पर करेंटली एक्टिव केवाईसी में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, अब यहाँ पर देखिए केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में दिखाई दे रहा है, पैन नंबर भी और बैंक अकाउंट नंबर भी। मान लीजिए केवाईसी आपने सबमिट कर दिया हुआ है और अब आपको पता चला कि कुछ तो रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पर आप कैंसिल भी कर सकते हो। देखिए डिलीट केवाईसी का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिलीट करके
फिर से आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो जैसे अभी हमने किया हुआ है। रिक्वेस्ट तो हमने सबमिट कर दिया, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है अप्रूव कब होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि कितने दिन में अप्रूव हो सकता है। अभी आप देख सकते हो हमने रिक्वेस्ट सबमिट किया हुआ है। मैं आपको एक पोर्टल दिखाता हूँ, ये है पोर्टल, ये कंपनी का पोर्टल है। जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो कंपनी के पोर्टल पर भी रिक्वेस्ट जाता है। कंपनी कैसे चेक करता है, मेंबर में जाएगा और यहाँ पर देखिए अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर, ये ऑप्शन दिखाई देता है। इस ऑप्शन पर कंपनी वाले जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से केवाईसी अप्रूव करने का पेंडिंग लिस्ट दिखाई दे जाएगा। देखिए अभी हमने पैन और बैंक दोनों केवाईसी का रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ है। कंपनी की पोर्टल पर आप देख सकते हो पैन का रिक्वेस्ट यहाँ पर इमीडिएटली आ गया है, लेकिन बैंक का रिक्वेस्ट अभी तक आया नहीं है। क्यों, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। बैंक का रिक्वेस्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि बैंक जो है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में गया है, मतलब जो भी बैंक का डिटेल दिया गया है वो पहले बैंक के सर्वर से मैच होगा और सब कुछ अगर सही होगा तब इम्प्लॉयर के पास जाएगा। मैं आपको कंपनी के पोर्टल पर दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर तीन बैंक के रिक्वेस्ट है जो कि पिछले इम्प्लॉयी ने भेजे हुए हैं। इनका देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। तो अभी जो रिक्वेस्ट हमने किया हुआ है बैंक का, वो जब बैंक के सर्वर से वेरीफाई होकर आएगा तो कंपनी के पोर्टल में एक रो और ऐड हो जाएगा बैंक वाला भी, उसके बाद ही इम्प्लॉयर उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब आप जो भी केवाईसी अपलोड करते हो ऑनलाइन उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ता है कंपनी में। वैसे तो कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए कंपनी लेता है। अब ये आपके रिलेशन के ऊपर भी होता है कि डॉक्यूमेंट लेगा या नहीं लेगा। एक बार कंपनी के पास रिक्वेस्ट जब आ जाता है तो रिक्वेस्ट अप्रूव करने में सिर्फ 1-2 मिनट का समय लगता है। कंपनी को क्या करना होता है, जिस भी इम्प्लॉय का केवाईसी अप्रूव करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है, और सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए अप्रूव यूजिंग ई साइन या DSC, इसका इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देना होता है। अब ये सारे प्रोसेस में 2 मिनट से ज्यादा का समय बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे यहाँ से अप्रूव होता है आपका जो रिक्वेस्ट होता है वो चले जाता है PF ऑफिस में, और वहां पर भी आपका 1 वर्किंग डेज लगता है ज्यादा से ज्यादा, या 2 वर्किंग डेज, और अप्रूव हो जाता है। तो अप्रूवल कितने दिन में होगा, ये अगर हम एक रफ सवाल पूछे तो मैक्सिमम 3-4 दिन के अंदर अप्रूवल हो जाना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कंपनी कैसा है, इंप्लॉयर कैसा है। कुछ लोग बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ लोगों से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होता है तो वो जानबूझकर आपका रिक्वेस्ट डिले कर देते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से बैंक KYC ऐड कर सकते हो, पैन कार्ड को ऐड कर सकते हो, और हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है और कितने दिन लग सकते हैं। PF और पेंशन से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।